नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ एंड फाइनेंशियल एक्सप्रेस एनालिसिस। यहाँ पे बिजनेस न्यूज़पेपर्स का हम लोग एनालिसिस करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाते हैं कि किस न्यूज़ का आपकी लाइफ पर क्या असर पड़ रहा है। इसमें हम इकोनॉमिक्स, बिजनेस सारे न्यूज़ कवर करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हमें लगता है कि बिजनेस न्यूज़पेपर्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ होते हैं जो हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं रादर देन दी नॉर्मल न्यूज़पेपर्स। सो विल स्टार्ट टुडे विथ वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया के लिए मैं ये न्यूज़ इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे रिटेल लोगों ने इस स्टॉक में पैसा लगाया है एंड काफ़ी झटके लगते रहे हैं इस कंपनी को। एंड अभी फिलहाल एक बहुत बढ़िया न्यूज़ आई पिछले हफ्ते। ये स्टॉक मैं आपको बताऊँ, मतलब एक महीने पहले या एक महीने के अंदर भी आप देखेंगे स्टॉक 15 रुपये पर ट्रेड करता था और 15 रुपये से करीब करीब यहाँ से आई थिंक 5 रुपीज़ का ड्रॉप इसमें आ चुका है, उससे ज़्यादा ही आ चुका है एंड 10 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड कर रहा था। तो यहाँ से इसे अपने 1 मंथ के प्राइस पे जाने के लिए भी 50% की रिकवरी चाहिए यहाँ से। ऐसा हाल क्यों हुआ? क्योंकि कोर्ट ने कुछ ऐसे मैं कहूँगा जजमेंट्स दिए जिससे वोडाफोन इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टर्स खुश नहीं थे। अब क्या बाकी टेलीकॉम कंपनीज को भी इससे फर्क पड़ा? देखिए, अगर बढ़िया न्यूज आती तो सबको बहुत बढ़िया लगता, लेकिन बाकियों के पास ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो वोडाफोन के पास है, जो है पैसे की प्रॉब्लम। तो अभी यहाँ पे मीटिंग स्टार्ट होनी है वोडाफोन के लिए शेयर होल्डर्स की, और उससे पहले ही बहुत बढ़िया न्यूज आई वोडाफोन के लिए जहाँ पे अनाउंस किया उन्होंने कि $3.6 बिलियन 30,000 करोड़ की इक्विपमेंट डील की है किसके साथ? नोकिया, एरिक्सन एंड सैमसंग के साथ, जहाँ नेटवर्क गियर सप्लाई किया जाएगा 3 साल के लिए। और ये जो मेगा डील अनाउंसमेंट है संडे को, ये एक बैलेंसिंग एक्ट है। इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग है, एनालिस्ट के साथ मीटिंग शेड्यूल्ड है मंडे को। उससे पहले 52 वीक लो पे अभी को स्टॉक आ गया था जब कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया क्यूरेटिव पिटीशन एंड यहां पर इसी के बाद काफी बड़े झटके भी लगे स्टॉक प्राइस को। तो क्लैरिटी चाहिए यहां पे कि किस तरीके से डील फंडेड होगी वोडाफोन की, क्योंकि 2.09 ट्रिलियन रुपी का इसके ऊपर डेट है, इतना बड़ा डेट। यस, एंड इस डेट को किसी तरीके से, इस प्रॉब्लम को इन्हें सॉल्व करना बहुत जरूरी है एंड इसी चीज में कंपनी लगी। तो मैं आगे बहुत ज्यादा नहीं इसमें डिस्कस करूंगा, बट यस, ये बहुत एक बड़ा पॉजिटिव मैं कहूंगा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा वोडाफोन के लिए, स्पेसिफिकली साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। ठीक है कि इतनी बड़ी कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी से इन्हें ये डील दी है, तो काफी सालों बाद ऐसी कोई डील आई है वोडाफोन आइडिया के लिए जो इस मैग्नीट्यूड की डील हो। एंड मे बी आगे ऐसी और कुछ बढ़िया डील्स आए तो कंपनी काफी बढ़िया आगे ग्रो कर सकती है। अभी भी अच्छा पोटेंशियल है, बट डेट बहुत बड़ा इशू है। कोई कंपनी में डेट की वजह से ही ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता जब इतना ज्यादा डेट हो किसी कंपनी के पास, एंड इसी की वजह से ये पैसे नहीं खर्च कर पा रहे हैं। इनके सब्सक्राइबर्स भी चेंज हो रहे हैं, जा रहे हैं जियो के पास, BSNL के पास या फिर दूसरी कंपनी से एयरटेल के पास। आता हूं मैं अगले आर्टिकल पे। हैव FIIs लॉस्ट देयर वे? यहाँ पे बात हो रही है एक एडिटोरियल की जिसमें राइटर ने लिखा है कि क्या हमारे जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, क्या ये अब भटक चुके हैं अपनी राह से? क्यों? हैव दे लॉस देयर वे? क्यों बोलोगे आप? देखिए, कुछ बहुत ही की पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो आप सोचिए। इस वक्त मार्केट आपने देखा है पिछले 18 महीनों में 52% ऊपर जा चुकी है, ठीक है। एंड जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, चाहे इंडिविजुअल हो, म्यूचुअल फंड हो, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो, बहुत बढ़िया पैसा कमाया है इन्होंने इस बुल मार्केट से, एक्सेप्ट रेकलेस डेरिवेटिव ट्रेडर्स। एंड यहाँ पर आप अगर देखोगे तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की अगर बात करें तो इनके पास सुपीरियर नॉलेज है, लॉन्ग ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, एक्सेस है टू डीप रिसर्च, लार्ज फंड्स, तो इनको तो सबसे ज्यादा बेनिफिट होना चाहिए था इस बुल मार्केट का। लेकिन शॉकिंग नंबर आप ये देखिए, बिटवीन जून 2022 से सितंबर 2024 FIIs मैसिव नेट सेलर थे पूरे बुल मार्केट में। यस, आप ये देखिए कि इन्होंने 1.82 ट्रिलियन रुपीस का नेट सेल्स किया है, बिगेस्ट मंथली सेल्स कमिंग इन जून 2022 में 1.82 ट्रिलियन रुपी का सेल्स थे इनके। यस, इतने स्टॉक्स बेचे इन्होंने एंड यही बिल्कुल बॉटम बना, ठीक है, ऑफ द शॉर्ट एंड जो डिप्रेस पीरियड था बिटवीन नवंबर 21 टू जून 22। Even at those low valuations, panic sale by FIIs of over 58,000 crore का इन्होंने जो सेल किया जून में, इसके बाद भी आप देखिए
मार्केट को कोई ज्यादा फर्क पड़ा ही नहीं। इंडियन मार्केट, ग्लोबल मार्केट सब प्रेशर में थे, हाई वैल्यूएशन चल रहे थे, कोविड के बाद का डेटा आ रहा था, पोस्ट कोविड डेटा वीक, राइट, 2021-22 में तो हम कोविड से रिकवरी के बारे में सारी चीजें देख रहे थे। तो FIIs ने, ठीक है, जो डार्क डेज थे वहां पे सेल कर दिया। किसको सेल किया? DIIs को। DIIs कौन होते हैं? जो इंडिया के इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो बाय करते हैं इंश्योरेंस से लेके जितने म्यूचुअल फंड है, वो उन्होंने सबने बाय किया इंडिया में, ठीक है, करीब करीब 47,000 करोड़ के स्टॉक्स बाय किए और वहां पे बना मार्केट का बॉटम। और ये ट्रेंड रिपीट होता ही रहा है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सेल किए जा रहे हैं, हमारे म्यूचुअल फंड्स और DIIs बाय किए जा रहे हैं। आप ये देखिए कि जब हिंडनबर्ग के एलिगेशन आए अडानी ग्रुप में, मार्केट बिल्कुल हिल गई, एक मिनी क्रैश था, अपॉर्चुनिटी था DIIs के लिए बाय करने के लिए, 33,000 करोड़ के स्टॉक्स बाय कर लिए DIIs ने और FIIs ने बेच दिए 41,000 करोड़ के स्टॉक्स। तो जितने सैवी इन्वेस्टर्स होते हैं ना, ये भी कई बार बहुत गलत होते हैं, बहुत ही गलत एनालिसिस कर लेते हैं। जो FIIs हैं, इन्होंने कलेक्टिवली पुअर कॉल्स लिए हर एक मेजर मार्केट टर्न पे, हर बार इन्होंने गलत डिसीजन लिया पिछले 1.5 सालों में। एंड इन्होंने इन्वेस्ट किया है स्ट्रांगली मई से जुलाई लास्ट ईयर, जो अर्लीस्ट स्टेज था बुल मार्केट का, लेकिन तुरंत फिर से बेयरिश हो गया। बेयरिश होना मतलब नेगेटिव हो जाना कि मार्केट नीचे जाएगी, और बुलिश का मतलब क्या होता है कि मार्केट ऊपर जाएगी। आप बुलिश है मतलब आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है, यहाँ से बढ़ने वाली है। बहुत ही सिंपल ये मैं कहूंगा टर्मिनोलॉजीज है जो मार्केट में यूज होती है, जिन्हें नहीं पता हो। FIIs DIIs आप समझ गए, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को बोलते हैं, और DIIs इंडियन इंस्टीट्यूशन को। एंड इस महीने भी, उस महीने भी जब ये अचानक से बेरिश हो गए, तो इन्होंने 76,000 करोड़ के स्टॉक्स बेच दिए, जिसे DIIs ने पूरा खरीद लिया, DIIs ने 70,000 करोड़ का खरीद लिया। एंड मार्केट जो है मिड नवंबर से जो चलना शुरू हुआ है, तो DIIs ने बहुत बढ़िया पैसा कमाया मार्केट में, बहुत ही बढ़िया पैसा। और यहाँ पे FIIs बिल्कुल फूलिश की तरह नजर आ रहे हैं, बिल्कुल बेवकूफ की तरह नजर आ रहे हैं, जिस हिसाब से उन्होंने डिसीजन लिए है अपने सारे के सारे। अनडेटेड बाय एक्सपीरियंस, FIIs remains net sellers every month between January and May. तो अपने experience से भी बिल्कुल कुछ ना सीख लेते हुए, इन्होंने हर महीना जनवरी से मई तक सिर्फ स्टॉक्स बेचा है और ये बेरिश रहे हैं। टिमिट परचेज आया था मार्च में, एंड प्री इलेक्शन में भी इन्होंने 1.26 ट्रिलियन रुपीज के स्टॉक्स बेच दिए, जबकि DIIs नेट परचेजर्स थे ऑफ ओवर 2 ट्रिलियन रुपीज। एंड ये भी काफी गलत गया FIIs के लिए, मार्केट गिरा लोकसभा इलेक्शंस पे, एंड उसके बाद जो ऊपर आया है, आप देख रहे हो कि आज निफ्टी और सेंसेक्स कहाँ है, लोगों ने जिन्होंने पैसा लगाया उनका पैसा कहाँ है। तो किस तरीके से आप देखिए, टाइम चेंज हो गया। और ये आर्टिकल इसलिए भी डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब डोमिनेंस था FIIs का, FIIs जब चाहते थे मार्केट को क्रैश कर देते थे अगर वो स्टॉक्स बेचते थे, तो इतना पावर था उनके पास इंडियन मार्केट में। एंड आप देखिए, जो लेट आर रवि मोहन है, मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिसिल के, उन्होंने पेपर में लिखा था कि जो रेवरेंस है फॉर FIIs हैज नाउ मेटामॉर्फोस्ड इनटू मिक्स्ड फीलिंग्स ऑफ फियर एंड ऑ। व्हाट इज सरप्राइजिंग दो इज नॉट दैट FIIs गॉट इट रॉन्ग, प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स डू गेट इट रॉन्ग समटाइम्स। यस, तो जो लोगों के दिमाग में है कि भाई प्रोफेशनल इन्वेस्टर है, ये है वो है, नहीं, सब गलत होते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो कहेगा कि मैं कभी गलत नहीं हो सकता, या जिसका एनालिसिस हमेशा सही होगा। एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स मैनेज कर रहे हैं, इतना एक्सपीरियंस, हर एक टूल है इनके पास मार्केट को एनालाइज करने के लिए, हर सार चीजें हैं, सारी रिसर्च है, इनका इमेज भी बहुत कूल है, लेकिन देखिए कि ये भी गलत होते हैं, और गलत होते हैं तो कितना ज्यादा गलत होते हैं ये, राइट। एंड बुल मार्केट में दे चेज फ्लेवर ऑफ द डे एंड एक्ट लाइक रिटेल इन्वेस्टर्स। 1994 में लोड अप हुआ था ग्लोबल इश्यूज, जैसे कि एसेट हैवी पुअरली गवर्न्ड इंडियन कंपनीज। बुल मार्केट में 1999 में उन्होंने फ्रांटिकली चार्ज किया था इनटू शेडी सॉफ्टवेयर कंपनीज, ईदर बेस्ड ऑन इमिटेशन और रूमर्स और जॉइंट पोजीशंस विद स्पेकुलेटर्स एंड अदर फंड, और इन एक्सेप्शन ऑफ प्राइस रन अप बिफोर ओवरसीज इक्विटी फ्लोट्स। ये फ्लाइट है इनकी इरेशनैलिटी की, रेमिनिसेंट है 93-94 की। तो राइटर यहाँ पे क्या कर रहा है, पुराना डेटा कोट कर रहा है कि 94 में क्या हुआ, इन्होंने लोड अप किया ग्लोबल इश्यूज, जैसे कि एसेट हैवी और कि इंडियन कंपनीज पुअरली गवर्नड है, ये वो। बुल मार्केट में क्या किया 99 के, हर एक सॉफ्टवेयर कंपनीज में ये घुसने लग गए, ठीक है, सारी कंपनीज में इन्होंने पैसा लगाया किसी भी बेसिस पे, रूमर्स, ये वो, ये एक्ट करते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स की तरह, पैनिक में बाय करने लगे, पैनिक में सेल करने लगे। तो ये इरेशनैलिटी है ना अभी भी जो इन्होंने की है, ये 93-95
के बीच की जो बुल का जो पीरियड है, टाइम पीरियड है, उससे काफी मैच करती है। और इन्होंने 60 से 80% 60 to 80% एक्सपोजर टेक्नोलॉजी, मीडिया और टेलीकॉम कंपनी से बना दिया था ह्यूज वैल्यूएशंस पे। क्रेजी बुल मार्केट जब आया 2005 से 2008 का, तो ये ओवर कमिटेड थे रियल एस्टेट पे और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज पे, जहां बहुत ही पुअर रिटर्न्स मिले कैपिटल पे। तो ये हमेशा गलत होते रहते हैं, एंड ऐसा कुछ नहीं है कि ये अगर कुछ कर रहे हैं तो वही सही होगा। ये जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए, ये सोच के चलना बहुत जरूरी है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम एफआई ने मिस्टेक किया है ऑफ ओमिशन नॉट कमीशन। ये फेल हो गए पूरी तरीके से पार्टिसिपेट करने में इतनी बढ़िया रैली में जो मार्केट में देखने को मिली। एंड आफ्टर ऑल प्रोफेशनल इन्वेस्टिंग एक कॉम्पिटेटिव बिजनेस है, परफॉर्मेंस बेंचमार्क की जाती है एवरी मंथ, एंड कंसिक्वेंटली जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो इम्यून नहीं रह सकते टू बाइंग व्हाट इज वर्किंग और व्हाट इज पॉपुलरली नोन एज मोमेंटम इन्वेस्टिंग। फॉर द फर्स्ट टाइम 30 साल में इन्होंने नोटिस किया रेटर ने कि एफआईआईज जो है ये टाइड के अगेंस्ट स्विम करते रहे, धार के अगेंस्ट तैरते रहे। एंड अब जब फेडरल रिजर्व ने रेट भी कट कर दिया है, इंडिया में पॉलिसीज भी आ गई हैं इलेक्शंस के बाद ग्रोथ ओरिएंटेड, तो यहाँ पे अब देखना होगा कि ये क्या करते हैं। अभी तो इन्होंने बहुत ही जबरदस्त बाइंग शुरू की है, आप देख सकते हैं लास्ट वीक मार्केट में एक दिन में इन्होंने 14,000 करोड़ का स्टॉक खरीद लिया। सो वी हैव टू सी कि यहाँ पे आगे किस तरीके से ये कंटिन्यू करते हैं अपने डिसीजंस को, क्या ये यहाँ से अब एफआईआई बाय करना शुरू करेगा, ये हमें देखना होगा, या कहेगा कि नहीं अब मैं वेट करूंगा, मैं जब निफ्टी नीचे जाएगी तभी बाय करूंगा। फार्मास पावर पिल अ स्ट्रॉन्ग डोज ऑफ स्टडी प्राइसिंग एंड न्यू लॉन्चेस। फार्मा, इंडिया में फार्मा सेक्टर की बात कम होती रही है, आज तक ज्यादा नहीं हुई है, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखेंगे मार्केट कैपिटल कैपिटलाइजेशन बेसिस पे को तो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है फार्मा, लेकिन इस वक्त मार्केट में फार्मा के स्टॉक्स ने क्या बढ़िया पैसा दिया है लोगों को और बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स भी दिए हैं अपने सारे शेयर होल्डर्स को। चाहे आप देखिए, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए कोई आया हो, चाहे लॉन्ग टर्म के लिए आया हो, इस बुल रन में फार्मा स्टॉक्स ने लोगों को काफी बढ़िया रिटर्न दिया। निफ्टी फार्मा सेकेंड बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स है इस ईयर, यस, एंड 39% रिटर्न दिया है एज कम्पेयर टू 17% जो इंडेक्स है हमारा बेंचमार्क निफ्टी उसके कंपैरिजन में। इस वीक 8 फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं लिस्टेड जिन्होंने क्रॉस किया है 1 ट्रिलियन रुपी मार्क मार्केट कैपिटलाइजेशन में, अप फ्रॉम जस्ट थ्री अ ईयर अगो। सो यहाँ पे 3 कंपनीज थी एक साल पहले जो 1 ट्रिलियन रुपी के मार्क को क्रॉस कर चुकी थी, एंड अब ओवरऑल आप देखिए 8 लिस्टेड कंपनीज है, दिस इज अ रियली गुड ग्रोथ। लेटेस्ट एडिशन किसका है, एलीट ग्रुप है मैनकाइंड फार्मा, जिन्होंने माइलस्टोन क्रॉस किया फ्राइडे को, और ये जो गेन्स आ रहे हैं ना ये काफी बढ़िया मैं कहूंगा रिपोर्ट्स आ रहे हैं, इनके प्रॉफिट्स, रेवेन्यू, इनकी ग्रोथ देखिए आप, इन्होंने इतना बढ़िया ग्रोथ मेंटेन किया, मोमेंटम मेंटेन किया, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, स्टेबल जेनरिक प्राइसिंग की, ड्रग शॉर्टेज यूएस मार्केट में आया उसका भी फायदा मिला, एंड यूएस मार्केट एक ऐसा मार्केट है जिसको बहुत अच्छे से ये टैप कर रहे हैं, एंड वहाँ पे रेवेन्यू भी काफी बढ़िया आ रही है वहां से। जो अगर देखिए कि जो रेवेन्यू ग्रोथ है 10% रहा है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, ज्यादातर ब्रोकरेजेस और रेटिंग एजेंसीज ने एक्सपेक्ट किया कि इंडियन फार्मा सेक्टर ग्रो करेगा करीब 8 से 10% इस साल, एंड ये जो ग्रोथ है ये आएगा डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट्स दोनों से। तो इंडिया में भी ये दवाइयां बेचेंगे, लेकिन यहाँ पे बढ़िया काफी बाहर से भी आएगा। अब मैं बोलूं कि सिर्फ यूएस ही है क्या एक्सपोर्ट्स के लिए, नहीं, यूरोप भी है, यस, और इंडियन कंपनीज पूरी दुनिया में अपनी दवाइयां एक्सपोर्ट करती हैं, कोई ऐसा एक सेक्टर नहीं है, एक कंपनी नहीं है, कंट्री नहीं है जहां पे ये बहुत हेविली एक्सपोर्ट करती हो, लेकिन यस, यूएस इज फेवरेट डेस्टिनेशन बिकॉज आप देखिए वहां पे मार्कअप भी बहुत अच्छा मिलता है, प्राइसिंग बहुत अच्छी मिलती है इनको। तो जितने रेटिंग एजेंसीज हैं और ब्रोकरेजेस हैं फार्मा पे बहुत अभी पैनी नजर रख के बैठे हुए हैं, 8 से 10% ये सेक्टर ग्रो कर सकता है, यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंप्रूव हो रहा है, लोकल करेंसी भी काफी डॉलर के अगेंस्ट बढ़िया हो रही है, तो जितने भी पैसे आएंगे बाहर से अब देखिए, और या फिर अगर आप देखिए एक्सपोर्ट मार्केट्स है तो इससे काफी बढ़िया बेनिफिट मिल सकता है। एंड जो यूएस मार्केट में ग्रोथ है ये तो बहुत ही बढ़िया एक्सपेक्टेड है अभी भी अकॉर्डिंग टू एनालिस्ट। अगर देखें आप एक्सेस सिक्योरिटीज में ग्रोथ यहाँ पे प्राइस नॉर्मलाइजेशन से सपोर्टेड रहेगा, बेस बिजनेस में जेनरिक वर्जन आ रहे हैं कैंसर ड्रग के, और मतलब बहुत सारे अलग अलग मैं कहूँगा स्पेशलाइजेशन हैं जहाँ पे इंडियन फार्मा कंपनीज अच्छा कर रही है। मैं बता दूँ अफ्रीका से मुझे लगता है कि अगर आप देखें यूएस, यूरोप,
हर जगह एशिया पूरा मिडल ईस्ट आपको हर जगह इंडियन ड्रग मेजर्स की दवाइयां देखने को मिलेंगी। तो इसी का रिजल्ट है कि हम इतना बढ़िया यहाँ पे कर पा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। अगर यहाँ पे कंपनीज के मैं नाम लूँ तो ये देखिए बायोकॉन, टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स, लुपिन, जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, मैनकाइंड फार्मा, ग्रैंड फार्मा, सन फार्मा, औरबिंदो फार्मा, सिप्ला एंड डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी। इनके आप देखिए सेल्स, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना बढ़िया यहाँ पे हमें शेयर देखने को मिल रहा है, ग्रोथ देखने को मिल रही है। एंड कितना अगर आप कंपेयर करें कितना बढ़िया यहाँ पे इन्होंने ग्रोथ को सस्टेन किया है। ग्रोथ को एक बार दिखाना दो बार दिखाना इज नॉट अ बिग थिंग, कंपनीज वहां फेल कर जाती हैं कि एक दो मैं कहूंगा क्वार्टर्स बहुत बढ़िया रिजल्ट आए और उसके बाद वो उसको सस्टेन ही नहीं कर पा रही है, अगले क्वार्टर कुछ और हो जा रहा है, अगले साल कुछ और हो जा रहा है। तो इसकी वजह से प्राइस वॉलिटिलिटी हमें स्टॉक प्राइस में भी बहुत देखने को मिलती है, लेकिन फार्मा में बिल्कुल कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को हमें यहाँ पे मिल रहा है। एंड मे बी लेट्स सी कि ऐसा ही होता रहे। आते हैं अगले आर्टिकल पे, नॉट लार्ज स्केल बट स्टडी राइज इन आईटी हायरिंग। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आईटी जॉब्स की, क्योंकि पिछले साल आईटी में काफी बड़े बड़े लेऑफ्स हुए, ग्रोथ अच्छी नहीं रही, स्टॉक ग्रोथ भी पिछले साल कुछ नहीं था मैं बोलूंगा आईटी सेक्टर में, इन्वेस्टर्स को भी कोई पिछले साल तो रिटर्न नहीं दिया था। एंड इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जॉब ग्रोथ में भी काफी वीक था आईटी सेक्टर पिछले साल, बच्चे काफी ज्यादा मैं बोलूंगा एंशियस थे जॉब्स को लेकर के। तो यहाँ पे अब बढ़िया न्यूज आ रही है ये कि एज एन इन्वेस्टर या एज एन एनालिस्ट भी ना हम लोग काफी ज्यादा क्लोजली वॉच करते हैं कि अच्छा कंपनीज का हायरिंग अभी क्या चल रहा है, क्योंकि कंपनीज ये सर्विस इंडस्ट्री है, सर्विस इंडस्ट्री में हायरिंग इस हिसाब से करती है कि आगे कितना डिमांड रहने वाला है। ओवरऑल मैं बोलूंगा सबसे पहले तो देखिए प्रोडक्टिविटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, अगर कंपनी की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है तो ऑफकोर्स एम्प्लॉयमेंट वो कम करते हैं। अब AI वगैरह के आने की वजह से प्रोडक्टिविटी तो इंप्रूव हुई है, तो इससे क्या है इनके फाइनेंशियल्स बेटर होते हैं, इनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने से आप देखिए इनके नेट प्रॉफिट्स, ऑपरेशनल प्रॉफिट्स काफी बढ़ेंगे। लेकिन अगर उसके बाद भी अगर हायरिंग बढ़ रही है यहाँ पे तो इसका मतलब दे आर एक्सपेक्टिंग गुड ग्रोथ, कंपनी की अपनी एक्सपेक्टेशन काफी बढ़िया है आगे को लेकर के। तो इसीलिए हम इस आर्टिकल को कवर कर रहे हैं कि ये एक पॉजिटिव साइन है किसी भी कंपनी के लिए। एंड इसमें लिखा है कि वी हैवंट सीन एनी लार्ज स्केल सर्ज इन हायरिंग, अभी कोई बहुत लार्ज स्केल सर्ज नहीं आया, बढ़त नहीं हुई है हायरिंग में। मेजर आईटी फर्म्स ने एग्जिबिट किया है स्टडी ग्रोथ 5-7% का, जहां पे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव्स और ग्लोबल डिमांड है उसको स्टेबलाइज करने के लिए जो डिमांड चाहिए होती है वो है ये हायरिंग की। एंड जो हायरिंग ट्रेजेक्ट्री है 2025 के लिए वहां पॉजिटिव आउटलुक ही है, करीब ओवरऑल 12-15% फॉरकास्ट है कि ये इंक्रीज होगा, जहां पे डिमांड बढ़िया एक्सपेक्टेड है। एंड टेक टैलेंट जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट AI एंड एडवांस क्लाउड प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है ना, उसके लिए सबसे ज्यादा डिमांड होगा, ठीक है। तो आप ये भी देख सकते हैं कि अगर कोई कह रहा है कि AI एडवांस क्लाउड प्रोजेक्ट्स इसमें सबसे ज्यादा अगर टैलेंट की जरूरत है तो इसका मतलब कंपनीज के पास प्रोजेक्ट्स भी इस फील्ड में सबसे ज्यादा आ रहे हैं, या फिर कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि इस मार्केट में सबसे ज्यादा ग्रोथ है। तो हम ये भी सर्च कर सकते हैं कि एडवांस क्लाउड प्रोजेक्ट्स कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा कर रही है, राइट, AI में सबसे ज्यादा कौन सी कंपनी इन्वेस्ट कर रही है या प्रोडक्ट्स बना रही है। तो ये हमारी काफी मदद करता है। एंड कोई करियर भी चूज करना चाहे तो वो देख सकता है कि क्या फील्ड्स हैं जहां पे बहुत बढ़िया आगे ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है इंडस्ट्री। तो इस साल इन्होंने ऑब्जर्व किया है सिग्निफिकेंट अपटिक, अगर आप देखें डेवलपमेंट रोल्स जहां 15% की इंक्रीमेंट है और लीडरशिप रोल में भी 10% की इंक्रीमेंट है। तो वी नीडेड दिस बिकॉज इंडिया में IT इज अ रियली बिग एम्प्लॉयर। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इन्फोसिस की, इन्होंने हायर किए हैं करीब 12,000 फ्रेशर्स FY24 में एंड टारगेट किया है 15,000-20,000 25 में। TCS ने मेंटेन किया है मोमेंटम और कहा है कि हम 40,000 फ्रेशर्स को ऑनबोर्ड करेंगे, जो सेम नंबर था लास्ट ईयर भी इतना ही था। विप्रो एंड HCL टेक ने प्रोजेक्ट किया है सिग्निफिकेंट इंक्रीज, क्योंकि ये 12,000 फ्रेश ग्रेजुएट्स तक को हायर करेंगे। जो शिफ्ट है ये रिफ्लेक्टिंग है, रिफ्लेक्ट करता है कि किस तरीके से कमिटेड है आईटी सेक्टर, ठीक है, एंड किस तरीके से ये काफी पॉजिटिव है अपने आउटलुक को लेकर के। तो US हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि US में जो इंटरेस्ट रेट इवेंट होगा इससे आईटी कंपनीज को भी काफी फायदा होगा, क्योंकि US में जब बढ़िया ग्रोथ आएगी तो हमारी आईटी कंपनीज को प्रोजेक्ट्स वहीं से तो मिलने हैं, है ना। तो इसका बेनिफिट हमें देखना होगा कि आईटी कंपनीज किस तरीके से उठा पाती है। आते हैं अगले आर्टिकल पे, जो एक एडिटोरियल आर्टिकल है और यहाँ पे बात हो रही है ड्यूरेबल ट्रांसपोर्टेशन की। इस एडिटोरियल में बात हो रही है
जो गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने की स्कीम्स आ रही हैं उनके बारे में, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल को सेल करने में हेल्प करती हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग में भी हेल्प करती हो, राइट? दोनों में काफी हेल्प की जरूरत है इस वक्त इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। तो कैबिनेट अप्रूवल जो हुआ है अभी, पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट, तो बहुत ही लंबा नाम है, तो इसका नाम पीएम ई ड्राइव रखा गया है। तो ये जो स्कीम है अभी नेक्स्ट फेज में आ रही है, इट्स अ नेक्स्ट फेज मैं कहूंगा, जहां पे एवोल्यूशन हो रहा है नेशनल पॉलिसीज का, जहां मेन स्ट्रीम करना चाहते हैं किसको, सस्टेनेबल मोबिलिटी ट्रांजिशन, मतलब सस्टेनेबल मतलब ग्रीन, नॉन पोल्यूटेंट, जो पोल्यूशन ना फैलाता हो, मोबिलिटी मतलब ऑटोमोबाइल से रिलेटेड, और ट्रांजिशन मतलब जो चेंज है पेट्रोल डीजल टू मैं कहूंगा चाहे आप इलेक्ट्रिक बोलिए, चाहे आप बोलिए हाइब्रिड, और सीएनजी को भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों में जो ट्रांजिशन हो रहा है सारी चीजों की तरफ, इसके लिए गवर्नमेंट ये स्कीम्स ला रही है। एंड यहाँ पे ट्रांजिशनल स्कीम है, पीएम ई ड्राइव एक इवेंचुअल सक्सेसर है किसका, फेम का। फेम टू काफी पॉपुलर स्कीम थी, एंड फास्टर अडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू स्कीम, इसका ये नाम था। एंड ये शेपर्ड करेगा क्रिटिकल एस्पेक्ट इंडिया के डीकार्बोनाइजेशन जर्नी का। डीकार्बोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, कार्बन अमिशन हम लोग पढ़ते हैं, CO2 अमिशन, काफी यही हमें परेशान करता है और काफी पॉपुलर टॉपिक भी है CO2 अमिशन। तो इस CO2 अमिशन को कम करने के लिए जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ले रही है, पॉल्यूशन को कम करने के लिए ले रही है, इस प्रोसेस को डीकार्बोनाइजेशन बोलते हैं। तो डीकार्बोनाइजेशन जर्नी का काफी इंपॉर्टेंट ये एस्पेक्ट रहने वाला है। रोड ट्रांसपोर्ट अकाउंट करता है 10% इन टर्म्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में 10% कहां से आता है, रोड ट्रांसपोर्ट से। तो ये ऑटो सेक्टर जो है हमारा, ये काफी बड़ा एक एवोल्यूशन ला सकता है हमारे, बोलेंगे हम इकोनॉमी में, हमारी लाइफ में भी, क्योंकि आप देखिए दिल्ली से लेके और ये बहुत सारी जगह जहां पे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया है, एंड ऑटोमोबाइल से रिलेटेड पॉल्यूशन भी काफी ज्यादा है कई शहरों में। तो मिनिस्ट्री, अकॉर्डिंग टू मिनिस्टर ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, आप देखिए 7.1% ये अकाउंट करता है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री अकाउंट करता है इंडिया के जीडीपी का, और इनडायरेक्ट और डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देता है करीब करीब 19 मिलियन लोगों को। यस, तो नोटेबली ये जो स्कीम है ये आती है फ्रॉम द बैकड्रॉप ऑफ मिक्स सेंटिमेंट्स फॉर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ग्लोबली। इंडिया के ईवी ट्रांजिशन की एक बार हम बात करते हैं, पीएम ई ड्राइव इंट्रोड्यूस हो रहा है ऐसे जंक्शन पे जहां पे इंडिया की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जर्नी अभी अलग अलग माइलस्टोन्स क्रॉस कर रही है। अगर आप देखें रजिस्ट्रेशन की बात करें, सेल्स की बात करें, तो करीब 40% इंक्रीमेंट रहा सेल्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के FY23 से 24, ठीक है, जिसमें ईवीज का ग्रोथ काफी सही था उस टाइम पे, काफी बढ़िया डबल डिजिट ग्रोथ लग रहा था। लेकिन यहाँ पे इसके बाद का अगर आप देखेंगे डेटा तो वो कुछ खास नहीं रहा है। ये प्रेजेंट करता है एक सिग्निफिकेंट वेरिएशन अमंग वेरियस कैटेगरीज, जैसे कि इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर की बात करें, जो ऑटोस चल रहे हैं, यहाँ पे 15% से ज्यादा पेनिट्रेशन हो चुका है, बढ़ चुका है। एंड इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की बात करें, तो पर्सनल और कमर्शियल इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर की भी बात करें, तो ये 5% से कम है हर एक सेगमेंट में, और इलेक्ट्रिक बसेस तो सिर्फ 1% पे बैठे हैं। तो इतना कम शेयर है अभी ईवी का ओवरऑल, जबकि कंटिन्यूड गवर्नमेंट सपोर्ट मिल रहा है, सब्सिडीज मिल रही है, एंड काफी चीजें एडवर्टाइज भी की जा रही है इसको लेकर। लेकिन तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो न्यू पीएम ई ड्राइव स्कीम है, जहां ऑलमोस्ट 11,000 करोड़ का आउटले रखा गया है, जिसे सिर्फ 2 साल में खर्च किया जाएगा, ये सेम है फेम टू जितना ही, फेम टू में भी आउटले इतना ही था, लेकिन ऑफकोर्स ये सिर्फ 2 साल में खर्च किया जाएगा वर्सेस 5 जो गवर्नमेंट फेम में लेकर आई थी। तो यहाँ पे ये ज्यादा यूनिट्स को टारगेट कर रहा है, एंड ये रिजल्ट करेगा इन लो पर यूनिट इंसेंटिव्स देन फेम टू। तो पर यूनिट इंसेंटिव इनका कहना है कि कम हो सकता है लोगों के लिए ईवी बाय करने में। एंड जो न्यू स्कीम है ये डिमांड साइड इंसेंटिव लेकर आ रहा है सिलेक्ट ईवी कैटेगरीज के लिए, जैसे कि 3-व्हीलर बसेस, इनकी बात काफी हुई है इस नए ईवी स्कीम में। तभी आप देखेंगे इसके आने के बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर में कुछ बहुत ऐसा नहीं कि 4-व्हीलर सेगमेंट में कुछ बहुत ज्यादा खुशी देखने को मिले, क्योंकि कार कंपनीज एक्सपेक्ट कर रही थी कि उनके लिए भी कुछ बहुत बढ़िया न्यूज आ सकता है यहाँ पे, बट ऐसा देखने को नहीं मिला। इन्होंने फोकस किया किस पे, सबसे पहले तो बसेस पे, एंड ये सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट लाना चाहते हैं लोगों के लिए, कि लोग जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं उसको हम लोग ग्रीन बनाएं, सबसे पहला गोल इनका ये है। तो ये कॉम्प्लीमेंट करता है इस अप्रोच को, जहां पे पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खूब खर्च किया जाएगा नई वाली स्कीम में, 11,000 करोड़ आए हैं, एंड ये सारी भी कैटेगरीज को ही फायदा देगा।
इसके अलावा ये टेक्नोलॉजी को लेवरेज करना चाहता है, ई वाउचर लाना चाहता है। इसके अलावा आप देखिए कि जो सस्टेनेबल पब्लिक मोबिलिटी का पुश है, तो ई बसेस यहाँ पे हार्ट ऑफ एलोकेशन रहने वाले हैं। करीब 40% जो है 11,000 करोड़ का ये जाएगा ई बस के लिए। तो ये भी नजर रखना जरूरी है कि इंडिया में कौन कौन सी कंपनीज हैं जो इलेक्ट्रिक बसेस पे काम कर रही है, कौन कौन सी कंपनी सप्लाई कर रही है प्रोडक्ट्स ई बसेस बनाने वाली कंपनीज को। ये भी काफी बेनिफिट ले सकती होंगी स्कीम से अगर गवर्नमेंट इस पे फोकस कर रही है इतना। तो इसके अलावा बात करें अगर अदर सेगमेंट्स की, तो डिमांड साइड इंसेंटिव्स जितनी भी है इंडिया में इस वक्त आप देखेंगे 2 और 3 व्हीलर्स के लिए वो रिटेन कर ली गई हैं। थोड़ा सा आउटले कम हुआ है इनके लिए, लेकिन 2 और 3 पहिए वाली जितनी गाड़ियां हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इनके लिए भी काफी फोकस, इनके लिए भी इनके ऊपर भी काफी फोकस किया जाएगा कि इन्हें प्रमोट किया जाए। इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर्स लेकिन यहाँ पे फीचर नहीं करता है नई स्कीम में एट ऑल, एंड ये रिफ्लेक्ट करता है 2 अलग अलग अप्रोच। 2 और 3 व्हीलर जो है लीड करते हैं टर्म्स ऑफ पेनिट्रेशन। 2 व्हीलर तो लोग खरीद भी लेंगे ना, 3 व्हीलर ऑटोज भी खरीद लेंगे क्योंकि भाई ठीक है कमर्शियली वो वायबल है, लेकिन 4 व्हीलर इतना महंगा है कि 10 लाख से नीचे सिर्फ 1 या 2 कार्स हैं। आप देखिए 4 व्हीलर में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, तो इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर्स के लिए ये अपीयर करता है कि अगर आप पब्लिक चार्जिंग स्टेशन वगैरह इंप्रूव करते हैं ये करते हैं तो इससे पुश आएगी, लोग खरीदेंगे। एंड ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आप हाई इनकम कंज्यूमर्स को सर्विस कर रहे हो जो कार ले रहे हैं, और वो भी कार आप तुरंत बना नहीं दोगे 5-6 लाख की। तो आप कार में कितनी अच्छी स्कीम ले हो कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन वही पैसे अगर आप 2 व्हीलर पे खर्च करो 3 व्हीलर पे तो वहां काफी लोग इंडिया में लेंगे इसे, एंड देखने को मिल रहा है। आप देखिए इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर आपको कितने ज्यादा दिख रहे हैं पहले से, तो जब गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स पे फोकस किया तो देखिए कितनी जल्दी पेनिट्रेशन आ गया, इसमें बिक्री होने लगी। लेकिन वही 4 व्हीलर की अगर आप बात करें तो इंडिया में वैसे भी अफोर्डेबिलिटी इशू है अभी, और अगर आप प्राइस को कट भी कर देंगे तो कितने ही लोग हैं जो तुरंत कार बदल लेंगे और ईवी ले लेंगे, इट्स नॉट वेरी सिंपल। तो जो 2 एस्पेक्ट हैं वो फिर भी एड्रेस किए जा सकते हैं कि नई स्कीम जो है उसे भी कॉम्प्लीमेंट किया जाए आर ऑन फाइनेंसिंग फ्रंट। फर्स्ट लीड करता है टेक्नोलॉजी रिस्क, तो यहाँ पे पुशिंग इंडियाज ईवी ट्रांजिशन इस हेडिंग में बात की जा रही है 2 एस्पेक्ट्स की, ठीक है, जिसे एड्रेस किया जाता है, एड्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे राइटर रेकमेंड कर रहा है कि कॉम्प्लीमेंट द न्यू स्कीम आर ऑन फाइनेंसिंग फ्रंट, पैसे से रिलेटेड ये फ्रंट पर है जहाँ पे अभी भी कुछ चेंजेस आ सकते हैं। जैसे कि एक रिस्क है टेक्नोलॉजी रिस्क, टेक्नोलॉजी रिस्क परसेप्शंस है बैंक्स के पास। प्रॉब्लम ये है ना कि आज आप अगर किसी बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो, ऐसे सेक्टर में काम कर रहे हो जहाँ डेली डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम क्या होगी? आपने कुछ बहुत अच्छा बनाया ना, हो सकता है कोई और कुछ बहुत ही बढ़िया ब्रेक थ्रू कर दे, आपके अच्छे प्रोडक्ट की डिमांड भी खत्म हो जाएगी वहां पे। तो इस चीज को बैंक भी जानता है और बैंक आपको लोन देने से डरेगा यहाँ पे। और एक प्रॉब्लम है लिमिटेड विजिबिलिटी की सेकेंड रीसेल मार्केट में। दूसरा, आपको भी डर लगेगा ना, आप ईवी ले रहे हो यार, बेचूंगा किसको, क्या इसका कोई सेकेंड हैंड मार्केट है, क्या कोई सेकेंड हैंड ईवी अभी खरीद रहा है? तो ये है, ये इसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब बैंक भी अगर आपकी कार को फाइनेंस करना चाहेगी तो आप सोचिए, बैंक आपने अगर लोन नहीं चुकाया तो बैंक क्या करेगी, आपकी कार जब्त कर लेगी। कार बैंक जब्त करेगी तो बेचेगी किसको, क्या सेकेंड हैंड कार मार्केट में क्या वैल्यू मिल रही है कार्स की? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा एक फिनोमेना है, साइकोलॉजिकल फिनोमेना, जिससे बैंक्स परेशान जरूर रहेंगे। तो ये चीजें गवर्नमेंट को सॉर्ट आउट करना, गवर्नमेंट के लिए सॉर्ट आउट करना काफी जरूरी है। एंड यहाँ पे ये जो एस्पेक्ट्स हैं ये काफी ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं ईवी कैटेगरीज में विथ मोस्ट वॉल्यूम्स। तो पॉलिसी मेकर को एक टेक्नोलॉजी डीरिस्किंग फंड भी बनाना चाहिए, ठीक है, एंड एक बायबैक फंड बनाना चाहिए इन केस ऑफ लैटर, जो वैल्यूएबल कॉम्प्लीमेंट्री मेजर्स रहेंगे जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज है उसको और कॉम्प्लीमेंट करेंगे और बूस्ट करेंगे ग्रीनिंग ऑफ इंडियाज ऑटो सेक्टर। तो जो इवॉल्विंग नेचर है पॉलिसी सपोर्ट का इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए इंडिया में, यहाँ पे कंटिन्यूड कमिटमेंट नजर आ रही है, चेंज के लिए चेंज को लेकर काफी रिस्पॉन्स भी नजर आ रहा है, एंड ये पोटेंट फॉर्मूला हो सकता है असली पोटेंशियल को बाहर लाने का इंडिया के सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन में, एनर्जी ट्रांजिशन में। सारी कंपनीज, बड़े बड़े कंग्लोमरेट्स भी अब यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो वी हैव टू सी कि किस तरीके से अगले 10 साल और 20 साल में इंडिया की सड़कों पे हमें बिल्कुल अलग तरीके की गाड़ियां दिखती है जो काफी क्लीनर होंगी, काफी ग्रीनर होंगी। आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।